अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, यूएचएस की जानिब से जो एडमिट कार्ड था, रोल नंबर स्लिप थी, एमडी कैट 2024 के लिए जारी कर दी गई। देखिए कार्ड को समझते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर यूएचएस लिखना है गूगल में। यूएचएस को लिखने के बाद जो पहली वेबसाइट आपको शो होगी, जहाँ से इस वेबसाइट को आप लोगों ने कर लेना है ओपन। वेबसाइट आपके पास हो जाएगी ओपन। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग अपना एडमिटेंस कार्ड जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। इस जगह से आप लोगों ने अपना एडमिटेंस कार्ड कर लेना है डाउनलोड। इसको वजह से हम क्लिक करते हैं तो ये वाला जो लेआउट है या पेज है ये आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है, फुल नेम लिखना है, वो वाला नेम जो आपने पीएमडीसी पर रजिस्ट्रेशन की थी, वहां पर जो नेम की स्पेलिंग लिखी थी सेम की सेम वही स्पेलिंग लिखनी है अपना मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के मुताबिक। और यहाँ पर आईडी कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस पर रजिस्टर करेंगे। और मैंने आखिरी के 4 डिजिट्स लिखे और 72 इसको ऐड कर लेना। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक रोल नंबर से डाउनलोड कर, जहाँ से हम अपना जो है स्लिप को डाउनलोड करेंगे, तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। स्लिप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग स्लिप के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। आपका रोल नंबर जहाँ पर मेंशन है, आपका नाम और ये फादर है। इसके अलावा सेंटर आपको यहाँ पर गिवन है, कोई भी सेंटर जो भी आपका होगा। और मजीद इंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़े तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन मजीद दी गई है उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर के ऊपर आपको ये वाला एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना होगा सीएनआई से। और सेंटर जो है सुबह 9 बजे 5 बजे 8 बजे से सेंटर पे आप लोग एंट्री कर सकेंगे। 9 बजे सेंटर क्लोज कर दिया जाएगा और 10 बजे आपका टेस्ट होगा स्टार्ट, 1:30 बजे टेस्ट आपका एंड होगा। वो अहम हदायत उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। इन हदायत को लाजमी पढ़िएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो चैनल पर रहिए, जुड़े रहिए मजीद अपडेट के लिए ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट न्यूज। ओके बच्चों, अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।